सोमनाथ मंदिर, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, ये कुछ ऐसे मंदिरों के नाम हैं जिन्हें आपने बहुतायत सुना है और आप इन मंदिरों के इतिहास के बारे में जानते हैं। कैसे विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण कर हिंदू संस्कृति पर हमला किया और धर्म की आड़ लेकर इन मंदिरों को तोड़ा और फिर वहाँ मस्जिदें बनवाई। पर ऐसे हजारों मंदिर थे जो इस्लामिक आक्रांताओं के अहंकार और धर्म प्रचार की भेंट चढ़ गए, जिन्हें इसलिए तोड़ा गया ताकि हिंदू संस्कृति और उसकी पूजा पद्धतियों को नीचा दिखाया जा सके। भारत में इस्लामिक आक्रमणों की शुरुआत अरब आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण करने से शुरू हुई। 710 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को हराकर उसने इस्लामिक आक्रांताओं के लिए भारत के रास्ते खोल दिए थे। मोहम्मद बिन कासिम की सिंध पर फतह के बाद इस्लामिक लुटेरे और आक्रमणकारियों का एक लंबा इतिहास है, जिन्होंने हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मस्थलों को तोड़ा और कुछ पर मस्जिदें भी बनाई। महमूद गजनी के सोमनाथ पर हमला कर पवित्र ज्योतिर्लिंग को तोड़ने का इतिहास हम सब जानते हैं। कहा जाता है कि महमूद सिर्फ धन दौलत लूटने हिंदुस्तान आया था, पर अगर उसका उद्देश्य सिर्फ लूटपाट होता तो पुजारियों के आग्रह के बावजूद ज्योतिर्लिंग को नहीं तोड़ता। महमूद गजनी के बाद दिल्ली सल्तनत का इतिहास पवित्र हिंदू मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिदें बनवाने को लेकर भरा पड़ा है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की पहली मस्जिद कुव्वत अल इस्लाम का निर्माण 27 मंदिरों को तोड़कर उनकी सामग्री से करवाया। कुतुब मीनार पर मौजूद शिलालेख में इसका जिक्र साफ साफ किया गया है। सन 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का शासन हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत के होयसला राज्य पर आक्रमण कर वहाँ के सभी मंदिरों को तोड़ डाला। सन 1335 से 1378 के बीच मदुरई सल्तनत के सुल्तान गयासुद्दीन मोहम्मद दंगहिनी के अत्याचारों का वर्णन मोरक्की यात्री इब्ने बतूता ने किया, जिसमें उसने बताया कि सुल्तान कैसे मंदिरों को तोड़ता और हिंदू पुजारियों को भालों पर लटकाकर मरने के लिए छोड़ देता। सन 1321 से 1394 के बीच फिरोज शाह तुगलक ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर और कांगड़ा देवी मंदिर को नुकसान पहुंचाया। खुद अपनी आत्मकथा तारीख फिरोज शाही में उसने स्वीकार किया कि कैसे उसने पुजारियों पर अत्याचार किए और उन्हें अपने महल के दरवाजे पर मार कर लटका डाला। दिल्ली सल्तनत के राज के बाद भारत पर तैमूर का आक्रमण हुआ, जिसकी बर्बरता के किस्से मशहूर है। उसने रास्ते में पड़ने वाले कई मंदिर तोड़े और लोगों की गर्दन काट कर दिल्ली तक मीनारें बनवाई, ताकि वापस लौटते वक्त उसे रास्ते की पहचान रहे। सन 1399 में सिकंदर बुत शिकन का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने कश्मीर के प्रसिद्ध मारतंड मंदिर को तोड़ा। कहा जाता है कि ललितादित्य द्वारा बनवाया गया मारतंड सूर्य मंदिर इतना विशाल था कि इसे तोड़ने में पूरा एक साल लग गया। इसी के शासनकाल में कश्मीर में लोगों का बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ। सन 1451 से शुरू हुए लोधी वंश में भी मंदिरों को तोड़ने का काम बदस्तूर जारी रहा। तारीख दाऊदी के अनुसार सिकंदर लोधी के शासनकाल में मथुरा के सभी तीर्थों को तोड़ दिया गया। पूरे मथुरा क्षेत्र में कोई अपना सर नहीं मुड़ा सकता था और दाढ़ी नहीं कटा सकता था। मुगल काल में राम जन्मभूमि विध्वंस से शुरू हुई मंदिरों को तोड़ने की प्रथा मुगल काल के हर शासक के वक्त में जारी रही। इतिहासकार निजामुद्दीन अहमद तख्त अकबरी में नगर कोट की फतह का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि महामाई के मंदिरों में पुजारियों को मारा गया। मंदिर परिसर में 200 गायों को काटकर मंदिरों की दीवारों को उनके रक्त से लाल कर दिया गया। औरंगजेब मुगल कालीन शासकों में मंदिर तोड़ने में सबसे आगे रहा। फ्रेंच यात्री जॉन दे थेवनोट के अनुसार औरंगजेब ने गुजरात का गवर्नर रहते जैन मंदिर चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर को अपवित्र किया। उसने मंदिर परिसर में गाय की हत्या करवाई और मंदिर तोड़कर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। आयरिश इतिहासकार विंसेंट स्मिथ के अनुसार सन 1669 में औरंगजेब ने अपने सभी अधिकारियों को आदेश दिया था
कि वो काफिरों के शिक्षा संस्थानों और उनके धर्म स्थलों को तोड़ने के लिए सदैव तैयार रहे। इतिहासकार सीके करीम के अनुसार टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल में हिंदू मंदिरों को तोड़ डालने का आदेश दिया। ऐसे हजारों मंदिर थे जो इस्लामिक आक्रांताओं या मुस्लिम शासकों द्वारा या उनके शासनकाल में तोड़े गए। क्या वजह थी इन मंदिरों को तोड़ने की? अगर आक्रमण का मकसद लूटपाट था तो सोमनाथ विजय के बाद ज्योतिर्लिंग के 3 टुकड़े क्यों किए गए? अगर आक्रमण का उद्देश्य शासन के लिए राज्य जीतना था तो अयोध्या विजय के बाद जन्मभूमि विध्वंस क्यों कराया गया? अगर आक्रमण का उद्देश्य धर्म प्रचार था तो दिल्ली में पहली मस्जिद बनवाने के लिए 27 हिंदू मंदिरों को क्यों तोड़ा गया? इन सभी उदाहरणों से सहज ही कहा जा सकता है कि इन आक्रमणकारियों के उद्देश्यों में सबसे अहम तौर पर हिंदू सभ्यता और संस्कृति को भ्रष्ट करना शामिल था। मंदिरों को तोड़कर उन्हें अपवित्र कर पुजारियों को मारकर वे अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहते थे। वे साबित करना चाहते थे कि उनका धर्म बलवान है और हिंदू धर्म कमजोर है। वर्षों बाद आजाद भारत में पहली बार राम जन्मभूमि पर होने जा रहा फैसला इन ऐतिहासिक भूलों को सुधारने की तरफ एक कदम हो सकता है। अपनी सत्ता और ताकत के गुरूर में जिन शासकों ने भारतीय सनातन संस्कृति को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, इन मंदिरों का पुनरुद्धार उस पुरातन संस्कृति को सहेजने की तरफ एक छोटा परंतु महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।